गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो ये है मॉर्निंग टाइम और आज मैं निकल गया हूँ। मेरे को अभी मॉर्निंग में फ़ोन आया है, विकी आ रहा है, अंकु आ रहा है, निक्षु आ रहा है। मैं अभी जस्ट घर से निकला हूँ और मुझे बीच में कुछ सामान भी देना है, तो जल्दी से चलते हैं, फिर देखते आगे आज पूरे दिन भर में क्या होगा। रास्ता अब हुआ यूं कि अपने घर पे 5 दिन से पानी नहीं आया और मैं गया था अभी पानी देखने, तो उस पानी में कुछ कचरा फटा है, ये देखो हाथ में लगी है मिट्टी। लेकिन अब मेरे को लेट हो रही है, मैंने उनको बोला कि भाई अभी तो नहीं, फिर देखते। तो अब मैं सड़क पहुंच गया, अभी अभी विक्की से बात हो गई है, उसको 20 मिनट और लगेंगे आने में, तब तक मुझे सड़क में वेट करना है। लेट्स सी, ये मेरे पीछे ये रोड शिमला को जा रहा है और ये वाला आटकोटी रोडू के लिए जा रहा है, और यहीं से आप उत्तराखंड भी जा सकते हो। वहाँ पे बहुत ज्यादा भारी हुई, तो इसने मेरे को 15 मिनट बोला, अरे यहाँ पे आधे घंटे के बाद पहुंच रहे हैं। जितने भी मेरे गिने चुने लोग देख रहे हैं उनको हाय बोल रहे हैं। ये कोई टाइम से नहीं आया, मैं इतने टाइम में तो पानी भी जोड़ चुका होता भाई। तूने बोला पानी जोड़ रहा हूँ मैं, इसी वजह से मैं लेट हुआ यार। मैं पागल हूँ यार, ये टिक्का सा धंधा है। तू तो यही पागल। तूने उसको फोन किया अंकु को, निक्षु को? कितना तो भी लड़ना है भाई। क्यों? ऐसे ही उसकी मेरी छत्तीस की, उसको गाड़ी लगाने की जगह नहीं मिली। क्यों? अब ये कह रहा है कि नहीं लगेगी गाड़ी, हद है। अब चलते चलते बिठाएगा क्या गाड़ी में? उससे अच्छा तो तू अंकु को लेने चल पड़ता बाहर, वो बहुत दूर है, फिर वापस आना पड़ेगा। अरे यहाँ पार तक देख लो भाई, एक ये और एक ये। ये अपना स्कूल है जहाँ से अपना पूरा 12th क्लियर किया हम लोगों ने। क्यों विक्की, यादें पूरी हो रही है? फिलहाल अंदर नहीं जा सकते, बस ये है वो जगह जहाँ से हम जैसे शातिर लोग निकले हैं। स्नूकर में हारने के बाद क्या बोलना चाहेगा मुझसे? यार टेक्निकली आई एम द विनर, तेरी खुशी के लिए। इसको मैंने इस टेबल पे अभी अभी हराया है। चलो 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 चलो, अब चल रहा है। आधे घंटे वेट करने के बाद अब जाके आया ये, और अब हम गाड़ी का वेट कर रहे हैं। आधे घंटे के बाद आने के बाद ये बंदा बोल रहा है कि मैं वीडियो ठीक नहीं बनाता, ये वाला बंदा और जिसकी गाड़ी वो पीछे बैठा है, और जो हनी भाई गाड़ी चला रहा है। और अब चलो तारीख के पापा गाड़ी विक्की की गाड़ी में मिला ये टमाटर, मतलब कुछ और भी मिल सकता था लेकिन ये मिला। और क्या इसकी गाड़ी में? जियो का डोंगल जिसमें शायद इंटरनेट नहीं चलता, एक मार्कर, म्यूजिक सिस्टम, थोड़ा बहुत कचरा,
और गाड़ी का बुरा हाल। अभी हम पानी के लिए रुके हैं और ये पानी पी के आ रहा है शेर। निक्षु वेट कर रहा है, रोको 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 निक्षु निक्षु जड़े जल्दी जल्दी आ, लेट हो गए लेट। देखो देखो, हेलो हेलो हेलो, ये दीक्षांत ससरामटा अंदर आ गए हैं। हेलो हेलो इजी गोइंग, हेलो 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 सर। अभी खड़ा पत्थर आ गए और अब सब लोग प्लान कर रहे हैं कि कहीं जाना है, तो ये बोल रहे हैं कि देवरी घाट जाएंगे। लेट्स सी। तू डील कर रहा था, क्या हुआ? डील तो कुछ नहीं हुआ, इसने बुद्ध हो रहा था। मैंने उसको बुद्ध क्या हुआ पता? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। उसको आधे घंटे में कॉल करना, क्योंकि मेरे से तोल मोल कर रहा था, तो मैं भी कच्चा हूँ तोल मोल में, हो नहीं पाया। उस डब्बे में 999 लिखा हुआ था, ठीक है, 999 फॉर 3 पेयर्स, और वो मेरे को 99 में दे रहा था। प्रॉफिट देख रहे हो? ओह माय गॉड, 800 रुपए का प्रॉफिट भाई। तू तो अपनी दुकान में वही बेचता फिर सबको जो है, है ना? तू कितने में बेचता है एक पेयर बता अभी वीडियो में? 999 में बेचता है, प्रिंट रेट से नीचे थोड़ी ना जाएंगे यार, क्या बात कर रहे हैं आप? इससे सहमत है? पता नहीं, मेरे को लगता है कि अच्छा प्रॉफिट था, अगर बेचना चाहिए तो बेच सकता था। कितने में? 999 खरीदता, जितने भी अपने मार्जिन पे बेच सकता था। फिर को कितने में दे रहा था? 99 रुपए में 3, और जिनका प्राइस था जैसे मेंशन प्राइस रिबॉक का था वो, तो उसमें 999 रुपीज था। बट मैंने बोला कि मैं लोगों को इतना बेवकूफ नहीं बना सकता, अगर महंगा है तो मेरे को महंगा ही चाहिए। कहाँ जा रहे हम? जन्नत। अबे नीचे वाला देख रहा, तू ऊपर देख रहा है। जन्नत क्या बोलना चाहता? मैं बोलना चाहता, बोल आएगा। आएगा आएगा, चल फिर चल। चलो 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 चलो, अब हम लोगों को फॉलो करना है इस गाड़ी को। तो विक्की को बोला कि शॉप खोल ले, और विक्की क्या कर रहा है, इसको एक घंटे का टाइम मिला है जिसमें इसको बोल रहे हैं कि अपनी दुकान जाके खोल ले, लेकिन इसने अभी बहुत बड़ा गैम्बल खेला हुआ है। इसकी दुकान यहाँ से 10 किलोमीटर पीछे।
ये है रास्ता और ये भी जिसका पैर होता है लेकिन किसी भी चल सके। नीचे हमारी गाड़ियां लगी है, देख रहा है कि गाड़ियां बोल रहा बंदा कभी एक गाड़ी तक नहीं होती थी, अब गाड़ियां बोल रहा है सीधा सीधा रास्ता। तो यार इससे पहले जब यहाँ से गए, यहाँ से नहीं जा सकते थे, यहीं से गए थे ये पता ही नहीं था। हाँ मैं भी वही बोल रहा था, ऊपर ही गिम्बल वाली बात पे हो गया था अभी तो कुछ नहीं भाई, बस रोड पहुँचने वाले। हाँ विक्की ये कचरा लेके कहाँ जा रहा है ना? क्या बोला? घर ले जा रहा है, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए ये देखो क्या, इसलिए रिस्पॉन्सिबल अगर हम बनेंगे ना तो ही दुनिया रिस्पॉन्सिबल होगी। अच्छा सीधा जुब्बल जाना चाहिए? यस। और आप कौन बोल रहे हो? जुब्बल जाना है। हाँ यहाँ से वापस जा रहे हैं, पीछे का व्यू एंजॉय कर लो। ओह